चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे मेरा वॉइस सबको आ रहा है, प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो यस नो। ओके चलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी तक बेसिक प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत किए, उसके बाद में हम लोग ने किया रैंडम वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, राइट। आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक होगा, और आज हम लोग रैंडम वेरिएबल्स को खत्म करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस, एंड देन उसके बाद में हम लोग करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो आज हम लोग हमारा रैंडम वेरिएबल्स खत्म करेंगे। आज के क्लास के बाद में जो भी सी एम वन से सी एस वन का क्लासेस कर रहे हैं, उन लोग को और नहीं आने का दरकार है, ठीक है। तो आज आप लोग का रैंडम वेरिएबल्स का टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, पुट द हेडिंग एक्सपेक्टेशन, पुट द हेडिंग एक्सपेक्टेशन। ये खाली एक नाम नहीं है, समझा ना, ये खाली एक टॉपिक नहीं है, इसी में सारा झगड़ा हो जाता है, ठीक है। तो देखो, एक्सपेक्टेशन का नॉर्मल मीनिंग क्या है, मीन या फिर एवरेज, ठीक है। अब जैसे मान लो 2, 3 और 4, इसका अगर मेरे को मीन निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, 2 + 3 + 4 / 3। आज तक हम लोग यही पढ़े, तो इसका मीन कितना आएगा, इसका मीन कितना आएगा, 3 आएगा ना। बट एक्चुअल में ये इस तरीके से कैलकुलेट होता नहीं है, इसका मेन मकसद क्या है, देखो, दिस इज 2 × 1/3 + 3 × 1/3 + 4 × 1/3, ये है इसका असली में मतलब। मतलब कि जो तीन चीजें हैं उन सबको मैं इक्वल वेट दे रहा हूं, बट यही अगर मान लो मैं तीनों का वेट्स को चेंज कर दूं, मैं बोलता हूं ये होगा इसका 10% प्रोबेबिलिटी है, इसका 50% है और इसका 40% है, तो अब मेरा एक्सपेक्टेशन क्या निकल के आएगा, 2 × 0.1 + 3 × 0.5 + 4 × 0.4, राइट। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकल के आएगा। सो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या बनता है, वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी का सम, ठीक है। तो ये एक बेसिक था। अब लिखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज समिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सो अभी क्या करेंगे, समिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब समिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स, एक्स क्यूब इंटू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर इज समिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स, एक्स टू द पावर आर इंटू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। ये हमने किया डिस्क्रीट में, यही चीज हम लोग कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज वॉट, इंटीग्रेटिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स, एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज समिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर इज समिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स, एक्स टू द पावर आर इंटू एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यहां तक ऑनलाइन में सबको क्लियर है, येस और नो? यहां तक ऑनलाइन में सबको क्लियर है, बहुत बेसिक चीज चल रहा ठीक है हाँ बोलो, ठीक है ना। आइए इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट,
जब फॉर एग्जाम्पल एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब 2x प्लस 1 का स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन पहले ब्रैकेट खोल दीजिए, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, सो दिस इज 4 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस 1. ठीक है, इसके बाद में लिखना वेरिएंस. ठीक है, वेरिएंस के लिए लिखना वेरिएंस ऑफ एक्स इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर. म्यू मतलब होता है मीन. मेरा बात सुनो, मेरे को निकालना है कि स्प्रेड कितना है वेरिएबल्स के बीच में. ठीक है, तो मीन से कितना दूरी पर है, तो डिविएशन फ्रॉम द मीन. डिविएशन फ्रॉम द मीन इज वॉट, एक्स माइनस म्यू. अब ये जो डिविएशन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल तुम मान लो लेता है 2, 3 और 4. ठीक है, तुम डिविएशन निकालो, मीन आएगा 3, तुम डिविएशन निकालेगा तो 2 माइनस 3 आएगा माइनस 1, फिर आएगा 0 और फिर आएगा 1. सम ऑफ द डिविएशन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज 0. सम ऑफ द डिविएशन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज 0. तो हम लोग नॉर्मली खाली डिविएशन निकाल के सम तो नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अगर मान लो हम लोग मॉड लेते हैं, मॉड तो आएगा 101, बट मॉड का जो ग्राफ होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और उसमें कैलकुलेशंस में भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आएगा. तो इसीलिए वेरिएंस बनाया गया. वेरिएंस क्यों बनाया गया, पहले डिविएशन निकालो, फिर ये जो पॉजिटिव नेगेटिव का इंपैक्ट है इसको हटाने के लिए स्क्वायर करो. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का जो इंपैक्ट है इसको हटाने के लिए स्क्वायर करो, तो डिविएशन का स्क्वायर, डिविएशन का स्क्वायर और फिर उसका मीन निकाल रहे हैं. डिविएशन का स्क्वायर का मीन निकाल रहे हैं, डिविएशन का स्क्वायर का मीन निकाल रहे हैं. तो इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं यहां पर, डिविएशन का स्क्वायर का मीन. ठीक है ना, डिविएशन का स्क्वायर का मीन निकाल रहे हैं, डिविएशन का स्क्वायर का मीन निकाल रहे हैं. ठीक है, तो वेरियंस इज अ स्क्वायर मेजर, वेरियंस इज अ स्क्वायर मेजर. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स निकालते हैं, विच इज रूट अंडर वेरियंस ऑफ एक्स. ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं, विच इज रूट अंडर, विच इज रूट अंडर वेरियंस. सो वेरियंस इज एवरेज डिविएशन स्क्वायर, उसका रूट कर रहे हैं तो क्या आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आएगा, एवरेज डिविएशन या फिर एवरेज फ्लक्चुएशन अराउंड द मीन. ठीक है, लिखो स्टैंडर्ड डिविएशन इज वॉट, एवरेज फ्लक्चुएशन, एवरेज फ्लक्चुएशन अराउंड द मीन. ठीक है ना, एवरेज फ्लक्चुएशन अराउंड द मीन. सो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा, एवरेज फ्लक्चुएशन अराउंड द मीन. ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो ध्यान से सुनना, वेरियंस क्या है, एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर का मीन, मतलब एवरेज डिविएशन स्क्वायर. अब मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन देता हूं. ठीक है, फॉर द ईयर 23-24. ठीक है, फॉर द ईयर कहां काम आता है ये प्रैक्टिकल में, 23-24 माय एवरेज, मेरे को ऑन एवरेज पता है मेरा एक महीना में 1 करोड़ का सेल होता है. ठीक है, तो एवरेज मेरा है 12 करोड़ का, प्लस माइनस बच्चा को अच्छा लगा खराब लगा, इसमें 20% का मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो मैं एक रेंज निकाल सकता हूं. ठीक है ना, मतलब ऑन एन एवरेज मेरा जो सेल रहेगा साल का वो 12 करोड़ है. ठीक है, अब इसमें ऊपर नीचे 20%, माने 20% का मतलब क्या है समझना, 10% होता है 1.2 करोड़, तो 20% कितना हो जाएगा 2.4 करोड़. मतलब ऑन एवरेज जो फ्लक्चुएशन होगा मेरा सेल में, ईयरली सेल में, वो 2.4 करोड़ का होगा. इसका मतलब क्या है, ऑन एन एवरेज मेरा जो सेल होगा वो कितना होगा, 12 माइनस 2.4 से लेके 12 प्लस 2.4. बट एक बात बताओ,
अभी जैसे दिल्ली में सेंटर किए, तो क्या ये ऊपर तरफ और जा नहीं सकता है क्या? जा सकता है। अगर मान लो कलकत्ता का बच्चा को विश्वास उठ गया तो नीचे तरफ जा नहीं सकता है क्या? जा सकता है, बट ये एक एवरेज रेंज है, ये एक एवरेज रेंज है, मतलब इसके अंदर रहेगा ऑन एन एवरेज। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर नहीं जा सकता फिर इसके नीचे नहीं जा सकता है। मैंने वेरियंस बेसिकली पहले वेरियंस निकाला, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, उससे मैं एक एवरेज रेंज निकाल रहा हूं कि किसके किसके बीच में रहेगा। ऑन एन एवरेज मेरा इतना रेंज में रहेगा मेरा सेल। तुम लोग भी तो यही बोलता है ना कि मेरा 80 से 90 के बीच में आएगा। तुमको लगता है मोटा मोटी टारगेट पॉइंट इज 85 प्लस माइनस 5। तो बेसिकली ऑन एन एवरेज तुमको पता है तुम्हारा हर एग्जाम में 85 का स्कोर आता है ऊपर नीचे 5-10 नंबर। तो वो जो ऊपर नीचे 5-10 नंबर है वो क्या है? वो स्टैंडर्ड डिविएशन है, फ्लक्चुएशन अराउंड द मीन। ठीक है ना? ओके, कॉपी कर लीजिए इसको। तुम जितना भी फाइनेंस में जाएगा तुमको ये सब बेसिक मेजर्स पूरा काम में आएगा, CS1 पूरा ही काम में आएगा। तुम कोई भी फाइनेंस का कोर्स करो, तुम कुछ भी एनालिस्ट का पोजीशन में जाओ, कुछ भी करेगा, तुमको स्टैट्स तो काम में लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना? देखना तुम लोग का डैशबोर्ड में और क्यू फोरम में एक वो दिया होगा, शिवांगी मैम का एक प्लेलिस्ट दिया होगा जिसमें डॉट प्लॉट, बॉक्स प्लॉट ऐसे करके बहुत सारा चीज बताया गया, क्वांटाइल क्या होता है। ठीक है ना? सो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, डेसाइल्स क्या होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, स्क्यूनेस, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, इसलिए वो एक बार बना के रख दिया, उसको तुम लोग देख लेना, कोई क्वेरी होगा तो मैं करवा दूंगा। ठीक है? रैंडम वेरिएबल के बाद का जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अब वो तुम लोग घर पे अच्छे से पूरा करके आएगा। ठीक है? अभी जैसे कि आज मैं ये खत्म कराऊंगा, ठीक है, अब तुम लोग का 2 दिन आर का क्लास चलेगा। ठीक है? कल से सबको आर में लैपटॉप लेके आना है, बिकॉज आर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हम लोग को 3 चीज को एक साथ चलाना पड़ेगा, पेपर ए, पेपर बी और टाइपिंग जो IFO से दे रहे हैं, एंड पेपर ए, पेपर बी एंड MCQ। MCQ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स गिविंग द एग्जाम फ्रॉम IEI। ठीक है ना? तो हम लोग का डैशबोर्ड में MCQ भी दिया हुआ, जो IFO से दे रहा है वो भी वो सारा MCQ सॉल्व करेगा, चैप्टर वाइज MCQ दिया हुआ। ठीक है? कर लो इसको। हाँ बोलो बेटा। डेस्कटॉप है नहीं, तुम क्लास में आएगा। ठीक है? और देखते क्या कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है, चलो अब इसको हम लोग ब्रेकअप करेंगे। ठीक है? तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x μ + μ² सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2μ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस म्यू स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2μ² क्यों? बिकॉज हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को और म्यू को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ठीक है? प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है? सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरियंस ऑफ एक्स। एक चीज समझ लेना, एक्स बार और म्यू के बीच में फर्क क्या है समझो। म्यू हो गया तुम्हारा पॉपुलेशन का मीन और एक्स बार तुम्हारा हो गया सैंपल का मीन। ठीक है? तो म्यू का मतलब क्या है, पूरा जो पॉपुलेशन है उसका मीन। तो पॉपुलेशन का जो चीज होता है ना वो अननोन रहता है बट वो कॉन्स्टेंट रहता है। जैसे अभी जितना भी लोग धरती पे जिंदा है उन सबका एज का एवरेज, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट होगा, अज्यूमिंग कि अभी कोई मर नहीं रहा है, कोई जीन और कोई पैदा नहीं हो रहा है, बट ये अननोन है। कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते, ऐसा कोई डेटा नहीं जो एकदम इंस्टेंटली निकाल पाए। चीज समझा? तो ये अननोन है बट ये कांस्टेंट है। बट सैंपल जैसे मान लो जितना भी सारा कॉन्टिनेंट्स है उसके अंदर जितना भी सारा कंट्रीज है, जितना भी सारा स्टेट्स है, सबका मैं सैंपल ड्रॉ करके एक्स बार निकाल सकता हूं। तो जैसे जैसे मेरा सैंपल चेंज होगा वैसे वैसे मेरा मीन भी चेंज होगा, एक्स बार चेंज होगा। तो एक्स बार इज नोन बट इट इज वेरिएबल। क्यों वेरिएबल? क्योंकि ये बार 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 बार
चेंज होगा, बट म्यू इज अननोन बट इट इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये फर्क है। वैसे ही वेरियंस में भी होता है, एक होता है तुम्हारा सैंपल का एस स्क्वायर और एक होता है तुम्हारा पॉपुलेशन का सिग्मा स्क्वायर। ठीक है ना, म्यू इज मीन, म्यू इज एक्सपेक्टेशन, वेरियंस इज द एवरेज डिविएशन स्क्वायर, उसका रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा, विच इज एवरेज फ्लक्चुएशन अराउंड द मीन। ठीक है, सबको क्लियर हो गया एला? हाँ, अब एक सम पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हो गया एला? गड़बड़ मत कर देना। हाँ, ये x स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन और ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x का स्क्वायर है। ठीक है, आइए एक सम करते हैं। अब मान लो मैं आपको टाइम दूंगा, एक डाइस रोल करते हैं, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, है ना, ये मेरा बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पेंट नहीं है, हटो वहां से, लग जाएगा, मेरा दीवार खराब हो जाएगा। सीधा बैठो, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे निकलेगा बताओ? 1 × 1/6 + 2 × 1/6 + 3 × 1/6 + 4 × 1/6 + 5 × 1/6 + 6 × 1/6 इसका निकालूंगा मैं। सिमिलरली अगर मेरे को वेरियंस निकालना होगा तो मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करूंगा, तो वो क्या होगा? 1 square into 1/6 + 2 square into 1/6 + 3 square into 1/6 + ……/+6 square into 1/6। ठीक है, तुम लोग अभी मीन और वेरियंस निकालो, मैं शीट लेके आ रहा हूं एक मिनट में।
ठीक है भाई, रिजल्ट आने के पहले पूरा हम लोग को टारगेट करना है कि सी एस वन अच्छे से हो जाए, ठीक है। और सी एस वन को अगर अपने को अच्छे से करना है, देखो जैसे मैंने आपका पेपर ये चालू करवा दिया, ठीक है, तो ठीक है, तो मैंने वो मेरा आवाज सुना रहा था, बोला सुनिए कैसा लगता है। अरे हम जानते नहीं कि आजकल का यूथ का, बोला सुनिए आप, समझ में आया कितना खराब आवाज है आपका। यही हम लोग को डेली सुबह उठ के डेली नियम से सुनना पड़ता है, तो आप भी थोड़ा सुनिए। ऐसे ही थोड़ी टोनी स्टार्क वाला चश्मा लगा रखा है वो, ठीक है। तो क्या करना है सुनो, आप शिवांगी मैम का जो पूरा वीडियो सेट है उससे बेसिक प्रोबेबिलिटी करेगा और डिस्ट्रीब्यूशंस करेगा, जैसे उसमें तुम्हारा रैंडम नंबर सिमुलेशन भी होगा, पॉइजन प्रोसेस भी होगा, स्क्यूनेस भी होगा, वो पूरा करके बुकलेट वन तक अटेम्प्ट करने का तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है दुर्गा पूजा तक, ठीक है। मेरा बात ध्यान से सुन लो, ठीक है, ये चीज हो गया। अब सिद्धार्थ सर जो दिल्ली से क्लास लेंगे वो 6 तारीख से चालू हो रहा है, वो शाम को होगा, 4 से 8 के बीच में होगा, तो खाली जेवियर्स इवनिंग में जो है हो सकता है उसका खाली एक क्लास मिस हो, मतलब 7th का में भी, बाकी सारा क्लास तुम लोग कर सकता है। वो बेसिकली रिकॉर्डेड में भी है और वो जो सर लाइव कराएंगे वो भी सारा तुम लोग कर सकता है, क्योंकि तुम लोग का कॉलेज का छुट्टी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे बहुत लोग घूमेंगे, दुर्गा पूजा का वाइब रहेगा, तो वो लेकिन तुम लोग को फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कवर करना पड़ेगा, वो पोर्शन मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि वो बहुत बेसिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो तुम लोग सब रिकॉर्डेड से कवर करेगा और बुकलेट वन पूरा अटेम्प्ट करेगा। सी एस वन में 7 बुकलेट है, हम लोग को आने वाला 8-9 हफ्ता में 7 बुकलेट कवर करना है, तो पहला बुकलेट तक करने का जिम्मेदारी तुम्हारा। उसमें जो भी दिक्कत आएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगा, वो पूरा हम कराएंगे फ्रॉम 14th of October, ठीक है, क्योंकि मैं 8 से 13 यहां नहीं हूं। 14th of October से जो क्लास होगा उसमें पूरा चीज कराने का जिम्मेदारी मेरा। अब 14 से लेके 19th के बीच में तुम लोग का 3 से 4 क्लास होगा, तो उसमें हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम लोग पेपर ए पूरा बुकलेट वन तक, ठीक है, जो भी डाउट्स होगा सारा कराएंगे, रिवीजन भी कराएंगे, इंस्टीट्यूट के मैट के पीछे का क्वेश्चन में डाउट्स होगा, फिर मेरा कुछ क्वेश्चन होगा देख लेंगे, और पेपर बी में डिस्ट्रीब्यूशन तक, ये हम लोग को पूरा अच्छे से कवर करना है, समझा। ये हम लोग का पूरा टारगेट बना के चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद तुम लोग का थोड़ा ब्रेक रहेगा, ठीक है, उस दौरान तुम लोग करेगा बुकलेट टू का टॉपिक्स। बुकलेट टू में आता है तुम्हारा 3 टॉपिक, 3 टॉपिक में तुम्हारा आएगा जनरेटिंग फंक्शन, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन और कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, ठीक है। मेरा रोल ये रहेगा November 4 से लेकर 15 के बीच में कि तुम लोग का बुकलेट टू वाले टॉपिक्स में जो भी दिक्कत है वो मैं कराऊंगा, उसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट में तुम लोग को दिक्कत आएगा ही आएगा, वो मैं कराऊंगा, एक डिफिकल्ट टॉपिक का कॉन्वोल्यूशंस वो मैं करा दूंगा तुम लोग को, लेकिन देख के रखना है। बुकलेट 3 वाला सारा मैं लाइव करा दूंगा, जैसे उसमें आएगा तुम्हारा सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सैम्पलिंग और पॉइंट एस्टिमेशन। तो 15 नवंबर तक हम लोग को ये टारगेट बना के चलना है कि हम लोग का पेपर ए और पेपर बी पूरा पॉइंट एस्टिमेशन तक अच्छे से हो जाए। नाउ 60% ऑफ द टॉपिक्स आर डन, बाकी जो 4 बुकलेट है वो बहुत ईजी है, तो तुम लोग का फिर जब कॉलेज एग्जाम रहेगा उस समय, तो कॉलेज एग्जाम के बाद तुम लोग चालू करेगा रिकॉर्डेड से देखना, उसमें तुम लोग को करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कोरिलेशन और रिग्रेशन। जनवरी में जब क्लास चालू होगा तो इन 4 टॉपिक्स का डाउट्स लूंगा पहले, उसके बाद में जो लास्ट 2 टॉपिक है बेजियन और जेएलएम, ये मैं पूरा लाइव करा दूंगा, ठीक है। टारगेट को ये सेट करो कि जनवरी 15 तक हम लोग को पूरा अच्छे से खत्म करना है, जो कि इजिली पॉसिबल है। द ओनली वे वेयर यू कैन फेल कि तुम खाली पेपर ए करेगा और पेपर भी लास्ट के लिए छोड़ेगा, ये सबसे बड़ा फेलियर का स्ट्रेटेजी है। तो तुमको दोनों को साइड बाय साइड चलाना पड़ेगा, दोनों साइड बाय साइड नहीं चलेगा तो फिर नहीं पास होगा। एंड सी एस वन में तुमको पेपर बी पे ज्यादा ध्यान देना कंपेयर टू पेपर ए, क्योंकि पेपर बी जितना बढ़िया से समझा पाएगा। अब जैसे मान लो यहां पर मैं जो ग्राफ्स बनाऊंगा वो तुमको नींद आ रहा है, वो तुमको पेपर बी में बेटर समझ में आएगा जब कोड्स लगेंगे उसमें, देन पेपर, क्योंकि पेपर बी में डेटा सेट बड़ा रहेगा, वहां जब तुम ग्राफ से समझेगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा कंपेयर टू पेपर ए। तो पेपर बी पे ज्यादा ध्यान देना,
सिमिलर थिंग गोज फॉर सी एस टू एज वेल. ठीक है, इज इट क्लियर? एंड रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो दिसंबर में वी कैन टेक अ स्मॉलर पेपर एज वेल, क्योंकि दिसंबर मिड से लेके एंड तक पूरा छुट्टी रहेगा. ठीक है ना, तो करना तुम लोग को है, गाइड हम कर सकते हैं, डाउट्स हम करा सकते हैं, कॉन्सेप्ट हम पढ़ा सकते हैं. ठीक है, करना लेकिन तुम लोग को ही है. ठीक है, चलो ये वाला कितना आ रहा है अपना? चलो अब लिखो प्रॉपर्टीज फॉर वेरिएंस. ठीक है, सो वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट विल बी जीरो एंड वेरिएंस ऑफ फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन विल बी व्हाट. वेरिएंस से अगर कुछ भी बाहर आएगा तो स्क्वायर होके बाहर आता है, तो 16 वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस जीरो एंड वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? लॉजिक लगा के देखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का. बहुत सिंपल है यार, लॉजिक लगाना है तुम लोग को और कुछ भी नहीं करना है. ठीक है ना? हाँ, कोई भी दिक्कत? वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट जीरो क्यों होगा तुम समझाओ. तुम तो डाउट पूछा नहीं कि सर वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट जीरो कैसे हो रहा है, समझाइए. बोलो भाई, मुंह नीचे करने से नहीं होगा, जीवन में लड़ना पड़ता है. मतलब समझाओ, जैसे मान लो 2 2 2 2 2, टू से डिविएशन क्यों निकाल रहे हैं? वही तो मैं बोल रहा हूं कि टू से डिविएशन क्यों निकालेंगे. डिविएशन तो मीन से निकालते हैं, मीन भी टू आएगा. वेरी गुड, मीन टू आएगा, डिविएशन सबका जीरो आएगा, तो डिविएशन स्क्वायर भी जीरो आएगा और जीरो का मीन क्या होगा? जीरो. ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो. ठीक है, और वेरिएंस इज अ स्क्वायर मेजर, तो कुछ भी अगर बाहर आएगा तो स्क्वायर होके बाहर आएगा. ठीक है, ये वाला कॉपी कर लीजिए और इसके दोनों फ्री हैंड सम्स करेंगे. ठीक है, कॉपी हो गया? हाँ, ये क्वेश्चन है. आपको ये चेक करना है कि इसका मीन और वेरिएंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं. ए, तुम्हारी फ्रेंड नहीं आई आज? क्यों? फैमिली फंक्शन. यही फैमिली नहीं क्लियर होगा ना, तो देखना तुम कितना भी मुंह छुपा लो, वो सामने आ आके पूछेगा, अरे तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? ठीक है ना, क्या? हाँ, तो अच्छा बात है ना, उसी को सुनाने के लिए तो बोल रहा हूं, तभी तो रिकॉर्ड करता हूं हर क्लास. अरे अगर मैं बुरा बन के किसी बच्चे का भविष्य बन जाए तो मैं बुरा ही सही. माइनस थ्री. हाँ, अब जैसे देखो, इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 1 से इंफिनिटी एक्स इंटू टू एक्स टू दी पावर माइनस थ्री डी एक्स. सो 2 1 से इंफिनिटी एक्स टू दी पावर माइनस टू डी एक्स. सो दिस इज 2 एक्स टू दी पावर माइनस टू एक्स. क्या होता फॉर्मूला? एक्स टू दी पावर माइनस टू प्लस वन ना,
तो माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय, बट एक मिनट, हाँ ठीक है सॉरी, एक्चुअली पर माइनस वन बाय माइनस वन है ना, वन से इंफिनिटी यही होगा ना, बोलो। तो माइनस टू फिर जीरो माइनस वन है ना, तो टू आ रहा है क्या सबका, ठीक है। एक ग्राफ यहां पर बना दे रहा हूं तुम लोग के लिए, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी और यहां पर ln, तो ln जीरो होता है माइनस इंफिनिटी, log वन होता है जीरो, e टू द पावर जीरो होता है वन, एंड e टू द पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, माने ये सारा log इंफिनिटी इंफिनिटी, log वन जीरो, log जीरो माइनस इंफिनिटी, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी जीरो, e टू द पावर जीरो वन, एंड e टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, ठीक है। अब इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर में झोल आएगा, जो लोग समझ पा रहे हैं एक्स स्क्वायर में झोल क्यों आएगा, क्योंकि माइनस थ्री है ना, तो एक्स टू दी पर माइनस वन इज वन बाय एक्स, उसका ln x होगा, एंड फिर उसमें इंफिनिटी डालेंगे तो आएगा नहीं वैल्यू, इसीलिए पूछा चेक वेदर इट्स मीन ऑफ वेरियंस एग्जिस्ट, इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए वेरियंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये वाला तो कॉपी हुआ। अब इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो आएगा वन से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स, सो दिस इज वन से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स टू द पावर माइनस थ्री डी एक्स, ठीक है, टू वन से इंफिनिटी एक्स टू द पावर माइनस वन डी एक्स, सो दिस इज टू इंटू एल एन एक्स, ठीक है, वन से इंफिनिटी, सो डज नॉट एग्जिस्ट, बोल बेटा। अरे x टू दी पर माइनस वन इज वन बाय एक्स, इसका एल एन एक्स होता है, तो एल एन एक्स क्या होगा, एल एन इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्फिनिटी आ गया ना, तो एग्जिस्ट कहां से होगा, सो इसका मतलब है वेरियंस डज नॉट एग्जिस्ट, मीन टू आ रहा है, मतलब एवरेज टू आ रहा है, तो टू थोड़ी मीन तो कॉन्स्टेंट ही आएगा, कैसा बात कर रहा है, टू थ्री, अरे क्या बोल रहा है भाई, वेरियंस ऑफ एक्सपेक्टेशन थोड़ी निकाल रहा है, वेरियंस ऑफ वेरिएबल निकाल रहा है, नेचुरल लॉगरिथम होगा प्रांशु, मैंने बताया था, ठीक है, हाँ बोलो, ठीक है बोलो बोलो, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, x दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x दिया हुआ है, माइनस टू है वन बाय सिक्स,
माइनस वन है पी, जीरो है वन बाय फोर, वन है पी, टू है वन बाय सिक्स। ठीक है, आप पी निकालो सबसे पहले। तो पी कैसे निकलेगा, वन बाय सिक्स प्लस पी प्लस वन बाय फोर प्लस पी प्लस वन बाय सिक्स इज इक्वल टू वन। तो पी का वैल्यू बताइए। फिर इसके बाद में आपको निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस टू, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस टू। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, माइनस टू इंटू वन बाय सिक्स माइनस वन इंटू पी प्लस जीरो इंटू वन बाय फोर प्लस वन इंटू पी प्लस टू इंटू वन बाय सिक्स। इसका जो टोटल आएगा ये ज़ीरो आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव। ये निकाल के बताइए, सॉल्व करो इसको। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस टू निकालना था, सो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस टू। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो अपना जीरो आ रहा है ना, तो जीरो प्लस टू। मतलब अरे भाई वही तो बोल रहा हूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ टू, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। कितना आ रही है वाला, टाइम कितना हुआ है, स्नैपचैट को तो कर दो डिलीट, स्ट्रीक भी टूटेंगे और तुम्हारा दिल भी। ठीक है, स्नैपचैट का कहानी बताते तुम लोग को। तो मेरा एक स्टूडेंट है, वो गुवाहाटी में रहता है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत पुराना स्टूडेंट है, सारा पेपर उसका एक बार में क्लियर हुआ, उसका फैमिली का बहुत बड़ा बिजनेस है। तो एक दिन मेरे को रात में 12 बजे फ़ोन किया, बोला कि सर हम एक लड़की को चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वो मेरे को चाहती है कि नहीं, उसके बाद से कभी ऐसा लगता नहीं है। तो बोला हम उसको स्ट्रीक भेजेंगे तो वो भेजेगी, तो डर लग रहा है कि कोई दिन अगर हम ऐसा, और उसका बाकी लड़का लोग के संग में भी ऐसे ऐसे वैसा नहीं है मतलब, बट वो बोला कि मेरे को ऐसा ख़राब लगता है थोड़ा कि मेरे को ऐसा अटेंशन नहीं मिलता है। तो बोला भाई देख तुम एक दिन स्ट्रिक तोड़ के देख ले,
अगर उसको होगा तब तो वो भेजेगी स्नैप, नहीं तो वो नहीं भेजेगी। तो अरे नहीं भैया डर लग रहा है, 5 साल का स्ट्रीक है टूट जाएगा। तो बोला तुम भ्रम में जी रहे। तो मैंने बेसिकली इट्स लाइक कि वो भेजेगा तो सामने से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इट कैन बी द अदर वे अराउंड ऑल्सो, नॉट ओनली फॉर बॉयज, गर्ल्स के लिए भी हो सकता है। तो वो नहीं भेजा उस दिन मेरा बोलने पे, हम उसको उकसा दिए पूरा, ठीक है। तो फिर सामने से भी नहीं आया, तो फिर बस। तो वही बात है ना, मतलब उपाय नहीं है यार। हाँ नहीं, 10 बजे बाद ये सब, तो उपाय नहीं यार। नहीं दे वो बात नहीं है, तो उपाय नहीं यार, जो रियलिटी है उसको तो फेस करना ही पड़ेगा। नहीं, 7/2 मेरे को लगता है इसका आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा ना। हाँ तो ये फाइनल का आंसर मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो 5 भी तो है और ये 2 भी तो है, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट नॉट जीरो। हम तो कभी क्या होता है स्नैपचैट, मतलब ठीक है क्या, मतलब कर ले क्या हम डाउनलोड? क्यों भाई, डिपेंड करता तुम कैसा स्नैप भेज रहा है। हम स्नैपचैट और मेरा तो इंस्टाग्राम में भी वही लोग रिप्लाई कर देते हैं। क्यों मैं क्या करूं, मैं फोन में पास रहता ही नहीं है। वो अपने लिए बोली भाई। मेरे को तो बोलना पड़ेगा ना। ये वाला हो गया। इसके बाद -3 का दिया हुआ 1/6, 6 का दिया हुआ हाफ एंड 9 का दिया हुआ है 1/3। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, फिर निकालो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर निकालेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x+1 का स्क्वायर। तो ये कैसे निकलेगा, -3 × 1/6 + 6 × 1/2 + 9 × 1/3, फिर आएगा -3 × 1/6 + 6 × 1/2 + 9 × 1/3, 4 × x² + 4 × x+1। ले एक एक्स्ट्रा, लास्ट वाले का
ना प्लस टू इंटू नहीं होगा, फोर इंटू होगा, टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर है ना, तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन होगा। गलत तो तुम सॉल्व की हो। इसके बाद एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके दिखाइए। एफ एक्स दिया हुआ है टू इंटू वन माइनस एक्स, ठीक है, और एक्स का रेंज दिया हुआ है जीरो से वन। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर आपको निकालना है, शो करना है बेसिकली, टू बाय आर प्लस वन आर प्लस टू, एंड फिर आपको निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करिए।
आगे बढ़े, ये सब में देखो एक चीज, हेडिंग लगाओ बीटा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स टू द पावर ए माइनस वन, 1 माइनस एक्स टू द पावर बी माइनस वन इज गामा ए गामा बी बाय गामा ए प्लस बी। गामा ए मतलब क्या, एकम का फैक्टोरियल, गामा बी मतलब क्या, एकम का फैक्टोरियल, ठीक है। अब एक चीज देखो, अपने को एक्स टू द पावर आर निकालने बोल रहा है ना इसमें, ठीक है। टू तो आ गया बाहर, जीरो से वन एक्स टू दी पावर आर प्लस वन माइनस वन एंड वन माइनस एक्स टू दी पावर टू माइनस वन डी एक्स। तो ये क्या आएगा यहां पर, मेरा ए क्या है आर प्लस वन, बी क्या है टू, तो गामा आर प्लस वन गामा टू बाय गामा आर प्लस थ्री। सो दिस इज आर फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल बाय आर प्लस टू का फैक्टोरियल, टू बाहर में है। सो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, जो हम लोग को प्रूविंग करने बोला था, टू बाय आर प्लस वन आर प्लस टू, क्योंकि आर फैक्टोरियल इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू, तो आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल कट जाएगा। अरे ये फॉर्म में करने बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखो ये क्या होगा, अब जैसे अभी तुम ब्रैकेट खोल दे रहे हो तो हो जा रहा है, बट यही सोचो इसका पावर में 3, 4, 5 होगा तब तो तुम ब्रैकेट नहीं खोल पाएगा ना, ठीक है। अब जैसे क्या है, अब ये वाला जो है ना, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर, एक जनरल फॉर्म है। अब जैसे मान लो अगर मेरे को निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, आई जस्ट पुट आर के जगह में वन, क्योंकि पावर में वन है ना, तो आंसर क्या आएगा, टू बाय थ्री इंटू फोर, तो क्या आएगा, टू बाय ट्वेल्व। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, टू बाय अच्छा सॉरी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अगर मेरे को निकालना होगा तो आर के जगह में वन डालेंगे, तो 2 बाय 2 इंटू थ्री, तो दिस इज 1 बाय 3। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर निकालना होगा तो 2 बाय 3 इंटू फोर, तो कितना आएगा, 1 बाय 6। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तभी तो फॉर्म में नहीं आएगा तो नहीं होगा, जैसे गामा इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी है, नहीं ये फॉर्म है, इसी का ये फॉर्म को हम लोग को ओबे करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे गामा इंटीग्रेशन में जीरो टू इंफिनिटी होना जरूरी है, नहीं नहीं उसमें ये फॉर्म है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, नहीं नहीं उसमें नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक्ट हो, ठीक है। अब जैसे एफ वाई अपने को दे दिया है 1/8 वाई प्लस वन माइनस वन वाई वन, तो इसको तुमको एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालना है,
तो इंटीग्रेशन माइनस वन से वन वाई इंटू वन बाय एट वाई प्लस वन डी वाई. सो वन बाय एट माइनस वन से वन वाई स्क्वायर प्लस वाई डी वाई. सो वन बाय एट वाई क्यूब बाय थ्री प्लस वाई स्क्वायर बाय टू माइनस वन से वन वन बाय एट वन बाय थ्री प्लस हाफ माइनस माइनस वन बाय थ्री प्लस हाफ है ना. सॉल्व कर लो इसको. कितना आ रहा है बताओ? जीरो आ रहा है. सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है. नहीं 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 लग सकता है. जीरो से वन में ही लग सकता है भाई. वो सब कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है स्टैट्स में. ये इंटीग्रेशन हैकाथॉन थोड़ी चल रहा है. यहाँ का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि तुमको कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है. तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन एग्जाम में नहीं आएगा. तुम सिलेबस का ऑब्जेक्टिव समझ. इंटीग्रेशन का थोड़ी ओलंपियाड चल रहा है. ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपने यूज कर रहे हैं इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के लिए. डिस्ट्रीब्यूशन में यूज आएगा. कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में तुम कभी नहीं फंसेगा. जो हम लोग कराएंगे उसके बाद इंटीग्रेशन में तुम नहीं फंसेगा कि देखो इंटीग्रेशन सॉल्व करना नहीं आ रहा. वो सिलेबस का ऑब्जेक्टिव है ही नहीं. सिलेबस का ऑब्जेक्टिव है कि रियल लाइफ सिनेरियोस में तुम कैसे स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कर सकता है. समझा? हुआ ये ना. और मैथमेटिकल टाइपिंग होने के बाद और भी इंटीग्रेशन को वो लोग जोर नहीं दे रहे. आएगा बट वो लोग आर का कोर्स वगैरह देगा. अब जैसे देखो आईएफओ से कोई भी एग्जाम हो लग रहा है प्रैक्टिकल है बट इट्स ऑल कॉन्सेप्चुअल. देखो पूरा आर प्रोग्रामिंग का कोर्स दे देगा. उसमें देखो बोलेगा कि बताइए कॉन्फिडेंस इंटरवल्स क्या होगा. वहां आपने को इंटीग्रेशन वगैरह अप्लाई नहीं करना है. इंटीग्रेशन जो भी तेरे को दिखेगा शुरू का पांच छह चैप्टर में ही दिखेगा. एंड ये लोग का सॉलिड फाउंडेशन है इंस्टीट्यूट का मैट. तो इंस्टीट्यूट का मैट का सारा क्वेश्चन मेरा वीडियो में बनाया हुआ है. उसके बाहर तेरे को कुछ नहीं दिखेगा. एग्जाम में दिखता भी है तो सिमिलर पैटर्न्स में दिखेगा. मतलब यू नेवर गेट कॉट इन द इंटीग्रेशन अप्रोच. ट्राई टू अंडरस्टैंड. और ये इसका खाली सीएस वन में नहीं, कोई भी एग्जाम में बेसिक इंटीग्रेशन तुमको आना चाहिए. समझा? अब ऐसा नहीं होगा कि भाई थीटा वीटा तो है ही नहीं इसमें. शुरू का पांच छह चैप्टर्स में इंटीग्रेशन है, फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा. फिर तुमको इंटीग्रेशन देखने को ही नहीं मिलेगा. इसका पूरा कोर्स आउटलाइन जो बनाया ना एक्चुअली में गलत इंटरप्रेट किया लोगों को कि मैथ्स हैवी है. मैथ्स तो आना चाहिए, ठीक है, बट उसका एप्लीकेशन है. इट इज नॉट समथिंग विच कैन नॉट बी लर्न बाय नॉन मैथ स्टूडेंट. आउट ऑफ 13 एग्जाम्स यू विल सी हार्डकोर मैथ्स और स्टैट्स इन ओनली 3 to 4 एग्जाम्स एंड दैट टू इन 30 to 40% ऑफ द कॉन्टेंट, नॉट इन द होल कॉन्टेंट. बट यू शुड बी लविंग नंबर्स. यू शुड बी एबल टू अडेप्ट टू वॉट आई एम सीइंग. मतलब जैसे अभी हम लोग टेस्टिंग करेंगे आगे जाके, हम लोग बहुत सारा टाइप का न्यूमेरिक्स देखेंगे. तो वहां क्या होता है, नॉन मैथ स्टूडेंट बच्चा थोड़ा कमजोर हो जाता है, वहां उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है. लेकिन ये ऐसा रियल लाइफ सिनेरियो वाला स्टैट्स है, इसमें इंटीग्रेशन का स्ट्रेसिंग उतना ज्यादा नहीं है. और जो है हम लोग का बेसिक इंटीग्रेशन का भी एक वीडियो बनाया हुआ है 3-4 सेट बेसिक डिफरेंशिएशन का, वो सब काफी है. ठीक है, आओ नेक्स्ट में आओ. तो एफ एक्स दिया हुआ है ए वन प्लस एक्स स्क्वायर. माइनस वन से वन. ठीक है, आपको सबसे पहले ए निकालना है. ये कल किए थे क्या हम लोग? ए निकालना है और फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है. सो माइनस वन से वन
ए इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। सो ए बाहर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस वन से वन, सो ए वन प्लस वन बाय थ्री माइनस माइनस वन माइनस वन बाय थ्री, तो क्या आएगा? नहीं, ठीक की एकदम। और दिस इज इक्वल टू वन, तो कितना आ रहेगा वैल्यू बताओ? थ्री बाय एट, इसके बाद में निकालो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। इसके बाद में निकालो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स में माइनस वन से वन थ्री बाय एट वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, यही आ रहा है ना? देखो गलत कर दिया मैं, तुम लोग कोई बोला ही नहीं, इंटू एक्स भी तो होगा, ये मत भूल जाना, यही तो मेन है। सो थ्री बाय एट एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस x टू द पावर 4 बाय 4, माइनस 1 से 1, हाफ प्लस 1 बाय 4 माइनस हाफ प्लस 1 बाय 4, पूरा जीरो आ रहा है ना? नेक्स्ट हो गया? हाँ, कॉपी कर लो। टाइम कितना हुआ है? 11 में 5 कम, ठीक है, हम सही टाइम तक करा रहे हैं, आज वाला शीट पूरा करा देंगे। आइए अब मैं आपको एफएक्स देता हूं 1/1000 e टू द पावर माइनस एक्स बाय थाउजेंड। चुप रहो ना, इसीलिए पता है करा दिए थे ना, आओ बना देगा। क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा तो सोचेगा तुम, तो पहले जीरो से इंफिनिटी एक्स इंटू वन बाय थाउजेंड ई टू द पावर माइनस एक्स बाय थाउजेंड डी एक्स। सो वन बाय थाउजेंड जीरो से इंफिनिटी एक्स टू द पावर टू माइनस वन ई टू द पावर माइनस वन बाय थाउजेंड इंटू एक्स डी एक्स। तो यहां पर मेरा अल्फा कितना आ रहा है? टू। लैम्डा कितना आ रहा है? वन बाय थाउजेंड। तो क्या आएगा? वन बाय थाउजेंड इंटू गामा अल्फा बाय लैम्डा टू द पावर अल्फा। सो थाउजेंड का स्क्वायर बाय थाउजेंड इंटू वन का फैक्टोरियल। बोल भाई, ठीक है?
नहीं माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाय 1000 है ना, तो ये वाला को मैं लैम्डा अलग से एक्सप्रेस किया हूं। अरे इनटू है यार, ठीक है नेक्स्ट येलो हो गया। अब दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एफ एक्स दिया हुआ है हाफ एक्स प्लस वन माइनस वन से वन, आपको वेरिएंस निकालना है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस वन से वन एक्स इंटू हाफ एक्स प्लस वन डीएक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वन से वन एक्स स्क्वायर इंटू हाफ है ना, सॉल्व कर लीजिए इसको। ऐ सॉल्व करो क्या हुआ, कितना आ रहा है वेरिएंस ऑफ एक्स, कितना आ रहा है 1/3। What is this? ऑनलाइन में सबका आ रहा है? यस देवानी का आ गया, देवानी मजुमदार का आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। पांच तारीख को टेस्ट है, ठीक है हाँ, नहीं तेरे को नहीं, पांच तारीख को जो टेस्ट है अभी दो क्लास आर का होगा उसका भी टॉपिक्स आएगा, और पेपर ए में जितना भी पढ़ा है उसका टॉपिक्स आएगा। ऑफलाइन में जो लोग भी आ रहे हैं उसका कैश रिवॉर्ड है 1100, और ऑनलाइन में जो भी टॉप करेगा उसका भी कैश रिवॉर्ड है 1100। तो तुम लोग एप्लीकेबल नहीं हो क्योंकि तुम लोग फिजिकल में आ चुके हो, ऐसा क्यों? तब फिर ठीक है, तुम लोग ऑनलाइन में दे देना। कौन लेके जाएगा रिवॉर्ड, तुम लोगों को क्या लगता है? अपने लिए बोलना चाहिए था बेटा, अपने से ज्यादा किसी और पे कैसे भरोसा हो सकता है लाइफ में। तुम खुद ही अगर अपने बारे में नहीं बोलोगे तो दूसरा कैसे बोलेगा? क्या सर 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 मेरे को तो लगता है कि तेरे को मिलेगा। तभी इतना झगड़ा होता है। भाई आधा गेम तो इंसान कॉन्फिडेंस से जीत जाता है, इतना अंडर कॉन्फिडेंट एक स्टूडेंट लाइफ में बच्चा फेस करता है ना, एक्चुअली उपाय नहीं है, सब लोग दबा देते हैं बेचारा बच्चा लोग को।
तुमसे कुछ नहीं होगा, ये वो, इसको देखो उसको देखो, क्यों देखे भैया, छोड़ो हटाओ, हेडिंग लगाओ ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारे यहां एडमिशन लेने के बाद होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो एफ एक्स दिया हुआ है 6 × x × 1 − x, एक्स का रेंज है 0 से 1, ठीक है। वाई दिया हुआ है x³। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को वाई का पीडीएफ बनाना है, ठीक है, मेरे को वाई का पीडीएफ बनाना है, ध्यान दो अभी कॉपी मत करना। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशियल निकाल लेता हूं, तो dy विल बी व्हाट, 3x² dx, ठीक है। उसके बाद में आप ये देखो कि जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना होगा, 0, जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना होगा, 1, ठीक है, बहुत सिंपल था ये तो। अब जैसे क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 1 6x1 − x dx, यही है ना। मैं क्या करता हूं देखो, 6 को तो ले लिया, 6 को बाहर नहीं, सॉरी, पहले y का लिमिट्स डालो, तो ये 0 से 1 ही आएगा, 6x की जगह में क्या आएगा, y² 1/3, 1 − y² 1/3, dx की जगह में क्या आ रहा है, हाँ रुको ऐसे नहीं होगा, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, एक मिनट रुको। अब देखो dx की जगह में ऐसा अजीब सा आ रहा है ना, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर एक चीज कर सकता हूं, y³ 1/3 इज x, है ना, सो 1/3 y² − 2/3 dy इज dx, उससे भी सेम ही आता, बट जस्ट एक छोटा सा चीज किया यहां पर। तो dx की जगह में क्या लिख सकते हैं, 1/3, है ना, 1/3 y² − 2/3 dy। अब ये पूरा मेरा क्या बन गया, y का पीडीएफ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, और रेंज मेरे को पता ही है 0 से 1, तो 2y² − 1/3, 1 − y² 1/3, और y का जो रेंज है वो क्या आ जाएगा, 0 से 1। तो x का जो पीडीएफ था उसको y में ट्रांसफॉर्म कर दिए, सिंपल है, ठीक है, कॉपी कर लो। हमेशा अपने पे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, एग्जाम हो चाहे लाइफ हो चाहे कुछ भी हो, अपने पे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारे पास में वो किसी के पास में नहीं है। उस दिन क्या हुआ देखो, मैं स्टेज में बुलाया, एक गधे को गलत किया, उसके वजह सब लोग बोला सही है सही है सही है, ऐसे नहीं होता है। इंसान को लाइफ में ट्राई जरूर करना चाहिए, चाहे उसका हो चाहे नहीं हो। ऐसे एक दिन देखना, ट्राई करते 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 तुम लोग मास्टर बन जाएगा, ऐसे ही होता है। क्या बोला, बकवास कर रहा है, बोला इस चीज के लिए पैसा दिया, ये बोला तुम भाई, ट्रांसफॉर्म कर रहे तुम पीडीएफ को। बहुत बार क्या होता है, तुमको मान लो स्ट्रेट लाइन चाहिए, ठीक है, तो वो तुम्हारे पास जो डेटा है वो उबड़ खाबड़ डेटा है, तुम क्या करता है, या तो लॉग लगाता है या फिर तुम उसका स्क्वायर करता है, तब तुम्हारा डेटा स्मूथनिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत बार ऐसा देखेगा कि लॉग लगाने से या फिर ई के पावर में डालने से डेटा तुम्हारा स्मूथ हो जाता है, तो इसलिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन तो सीखते ही है ना। मतलब बेसिकली मेरे को डेटा को ट्रांसफॉर्म करने से ही मेरा कोई एक रिजल्ट आ रहा है, जैसे तो मैक्सिमम मिनिमा करता है, तो मैक्सिमम मिनिमा बहुत बार कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन जाता है, तो हम लोग उसका स्क्वायर कर देते हैं, रूट कर देते हैं अपने हिसाब से, बट उसका रिजल्ट तो चेंज नहीं होता है, ठीक है। एफ एक्स दिया हुआ है अपने को x/2, और एक्स का रेंज दिया हुआ है 0 से 2, ठीक है। आपको y = x³ का करना है, ठीक है, तो y³ 1/3 इज x, 1/3 y² − 2/3 dy इज वॉट, dx, हाँ कि ना,
ठीक है, और जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0 है, जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 8 है, ठीक है ना। तो अब यहां पर आ जाएगा 0 से 8 हाफ इंटू वाई टू द पावर, हाफ इंटू वाई टू द पावर 1/3 है ना, हाँ x बाय टू है ना, तो हाफ इंटू एक्स के जगह में आएगा वाई टू द पावर 1/3, 1/3 वाई टू द पावर -2/3, ठीक है डी वाई। सो दिस इज वॉट वाई टू द पावर -1/3/6, और y का रेंज क्या आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 12 ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, सो वाई प्लस 3/2 इज वॉट एक्स, सो हाफ इंटू डी वाई इज डी एक्स, वेन एक्स इज 1 वाई इज -1, वेन एक्स इज 5 वाई इज 7, तो मेरा क्या बनेगा -1 से 7 1/12 एक्स के जगह में आएगा इंटू वाई प्लस 3/2 इंटू क्या आएगा डी वाई आएगा ना, सॉरी डी एक्स आएगा ना, तो हाफ डी वाई, तो ये क्या हो रहा है वाई प्लस 3/12 टू 2 48, और वाई का जो रेंज है वो है -1 से 7। प्रीवियस स्लाइड शो करिए, देखो हुआ, समझ में आया, कॉपी हो गया ना। चलो नेक्स्ट, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एफ एक्स दिया हुआ है लैम्डा ई टू द पावर -λx, 0x इंफिनिटी, अपने को वेरिएंस निकालना है। 5 तारीख को जो टेस्ट के लिए आएगा ना, पहले तुम लोग का डाउट्स ले लेगा, ठीक है, कुछ भी तुम लोग को जो भी डाउट्स है, जो भी पढ़ाया है अभी तक, पेपर ए का पेपर बी का जो भी डाउट्स वगैरह है वो ले लेगा, आधा घंटा लगेगा, ज्यादा डाउट्स होगा नहीं, वो डाउट्स लेने के बाद फिर 1 घंटे का टेस्ट होगा, ठीक है। ये वाला हुआ, तो अब इसका वेरिएंस निकालना है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या बनेगा, 0 से इंफिनिटी एक्स इंटू लैम्डा ई टू द पावर -λx डी एक्स, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, 0 से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू लैम्डा इंटू ई टू द पावर -λx डी एक्स। सॉल्व करके बताइए कि वेरिएंस ऑफ एक्स का क्या आंसर बनेगा।
ये तो मेरे को लगता आएगा 1 बाय लैम्डा और ये मेरे को लगता आएगा 2 बाय लैम्डा स्क्वायर है। चेक करो, हाँ, और वेरिएंस आएगा मेरे हिसाब से 1 बाय लैम्डा स्क्वायर है। चेक कर लेना पहले, पांच तारीख को पहले तुम लोग का डाउट्स ले लूंगा। अभी 2 दिन आर का क्लास है, 2 दिन होगा कि 1 दिन होगा वो हम बता देंगे, ठीक है। कल तो है आर का क्लास, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है, एकदम कंफर्टेबल। आ रही है, ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। सीएम वन का स्टूडेंट लोग रुक जाओ। अच्छा, सीएम वन का स्टूडेंट लोग का पेपर भी होगा कल से, ठीक है, टाइम हम बता देंगे, ठीक है। तो ग्रुप कम्युनिटी में हो ना तुम लोग, कम्युनिटी में पूरा अपडेट आ जाएगा। सीएस वन का सेम टाइम कल पेपर बी का क्लास होगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।